हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड बीएस नेगी प्रैक्टिस सेट का 107 पार्ट है। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? पौड़ी गढ़वाल की और मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट हरिद्वार की है। कोठारी एवं चौखम दून किस जनपद में स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में। लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई कितनी मीटर तक है? 1200 से 4500 मीटर तक। लघु हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड के 9 जिलों में फैला हुआ है। निम्न में किस स्थान पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी का समाधि स्थल है? गोदिया बगड़ में। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध पेशावर कांड से है, जो कि 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। कोदिया बगड़ किस जनपद में स्थित है? गैरसैंण चमोली में। थलैया पर्वत श्रृंखला किस ताल के समीप स्थित है? केदार ताल के, जो कि उत्तरकाशी जनपद में है। भीमताल नैनीताल में है और सरवदी ताल यह रुद्रप्रयाग में है। निम्न में कौन सी नदियां मध्य हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं? ऑप्शन देखते हैं। नयार एवं खो नदी ये मध्य हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं। सरयू नदी व कोसी नदी भी मध्य हिमालय क्षेत्र से निकलती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? सरावदी ताल, जिसे चोराबाड़ी ताल भी कहते हैं, इसमें गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। यह ताल रुद्रप्रयाग जनपद में है। नौकुचिया ताल यह नैनीताल में है। बधाणी ताल रुद्रप्रयाग में और मंसूर ताल यह टेहरी गढ़वाल में है। उत्तराखंड में बांज वृक्ष की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 5 प्रजातियां। विश्व में बांज की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 40 प्रजातियां। उत्तराखंड में कत्था किससे प्राप्त होता है? खैर के वृक्ष से। निम्न में से किस पौधे को एनीमिया रोग नाशक कहा जाता है? कंडाली के पौधे को। सर्प विष को कम करने में कौन सी जड़ी बूटी सहायक होती है? मरोड़ फली। धुनेर नामक पौधा किस रोग के इलाज में प्रमुख है? कैंसर के इलाज में। निम्न में से कौन सी जड़ी बूटियां उत्तराखंड में पाई जाती हैं? ऑप्शन देखते हैं। बेलाडोना यह उत्तराखंड में पाई जाती है। बेकल और गिंगारू ये भी उत्तराखंड में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। कुमाऊं क्षेत्र में सर्वप्रथम बेलाडोना की खेती कब की गई थी? 1903 में नॉर्मल गिल के द्वारा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। झूला वनस्पति जड़ी बूटी किस देश को निर्यात की जाती है? फ्रांस देश को। उत्तराखंड में बायोडीजल बनाने के लिए किसकी खेती की जाती है? जेट्रोफा की। निम्न में से राज्य वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं? मुख्यमंत्री। और वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड में वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत कितनी जड़ी बूटियां प्रतिबंधित हैं? 114। निम्न में किन जनपदों में मैग्नेसाइट खनिज मिलता है? ऑप्शन देखते हैं। चमोली, चमोली में मैग्नेसाइट खनिज मिलता है। बागेश्वर और पिथौरागढ़, इनमें भी मैग्नेसाइट खनिज मिलता है और इसे पीसीबी के नाम से भी याद किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, उपर्युक्त सभी। निम्न स्थानों में से चूना पत्थर से संबंधित क्षेत्र हैं? ऑप्शन देखते हैं। मंदाराम यह चूना पत्थर से संबंधित क्षेत्र है। बारकोट यह भी चूना पत्थर से संबंधित क्षेत्र है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ए व बी दोनों। उत्तराखंड में बुग्यालों की मदर ट्रेसा के रूप में जाना जाता है रूपा देवी को। राज्य में चकबंदी आंदोलन के प्रणेता किन्हें कहा जाता है? गणेश सिंह गरीब को। सुरेश भाई ने टिहरी गढ़वाल में 1994 में रक्षा सूत्र आंदोलन चलाया था। नैनीताल जनपद से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लगता है? बिजनौर। 2019 में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी थी गांधी जी की कोसानी यात्रा।
कुमाऊं मंडल की सीमा से गढ़वाल मंडल के कितने जिले लगते हैं? दो, चमोली व पौड़ी गढ़वाल। और गढ़वाल मंडल की सीमा से कुमाऊं मंडल के चार जिले लगते हैं, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल। गढ़वाल के दो और कुमाऊं के चार जिले आपस में लगते हैं। निम्न में से सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है? पौड़ी गढ़वाल से 7 जिलों की सीमा लगती है। हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों की सीमा उत्तराखंड से लगती है? 3 जिलों की। उत्तराखंड में कितने प्रकार के बुग्याल पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। लघु हिमालय श्रेणी के अंतर्गत राज्य के कितने जनपद आते हैं? 9 जनपद। उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहे जाने वाले घास के मैदान को हिमाचल में कहते हैं थच। जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में श्वाना और उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहा जाता है। कोणधारी वन का प्रमुख वृक्ष कौन सा होता है? चीड़ वृक्ष। वरद हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच भ्रंश रेखा मिलती है? मैन सेंट्रल थ्रस्ट। लघु हिमालय या मध्य हिमालय व शिवालिक के मध्य मैन बाउंड्री फॉल्ट मिलता है। उत्तराखंड के तराई भाबर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण प्रकार की। हिमालय के किस श्रेणी का प्राचीन नाम मैनाक मिलता है? शिवालिक हिमालय का। केदारनाथ आपदा के समय किस स्थानीय नागरिक ने सेना राहत अभियान में मदद की थी? योगेंद्र राणा ने। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने किस मॉडल को अपनाया था? ऑस्ट्रेलिया मॉडल को। NDRF के तर्ज पर राज्य में SDRF का गठन किया गया 2013 में। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना हुई 1 जून 1981 को। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति जारी की गई थी 1952 में। राज्य में मिलने वाले बांज, मोरू, खिरसु वृक्ष किसकी प्रजाति हैं? ओक वृक्ष के। हिमालय क्षेत्रों में पाया जाने वाला वृक्ष जिसे बर्च कहा जाता है? भोजपत्र को। निम्न युग्मों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन देखते हैं। लोकोक्तियों को अखाना पखाना कहा जाता है या युग्म सही है। लोक वार्ता को पंडुली कहा जाता है या युग्म भी सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ए व बी दोनों। उत्तराखंड में सैनिक छावनी परिषद की संख्या है 9। निम्न में किस छावनी क्षेत्र को उत्तरांचल सब एरिया के नाम से भी जाना जाता है? देहरादून छावनी को। और इसकी स्थापना नवंबर 1814 में होती है। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव किसे प्राप्त है? काड़ू मेहरा को। इनका जन्म चंपावत के लोहा घाट के बिसुंग गांव में हुआ था और इन्होंने 1857 में एक गुप्त संगठन क्रांतिवीर का गठन किया था और इन्होंने वाजिद अली शाह के, जो कि अवध के नवाब थे, इनके कहने पर यह गुप्त संगठन बनाया था। मोहन सिंह मेहता उत्तराखंड में जेल जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। इंद्रमणि बडोनी को उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। श्रीदेव सुमन 25 जुलाई 1944 को 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए थे। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।